टेक कंपनी हुआवे भारतीय बाजार में हुआवे वॉच GT2E लॉन्च करने की तैयारी में है। हुआवे इंडिया ने इसके डेडिकेटेड पेज को भी जारी कर दिया है, जिसमें इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स दी गई हैं। इसे मार्च में ग्लोबली लॉन्च हुए हुआवे P40 सीरीज स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया गया था। कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज में 14 दिन तक चलेगी। इस वॉच को हुआवे वॉच GT2 के अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर लॉन्च किया गया। बात अगर इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की करें तो आपको बता दें, वॉच में 1.39 इंच राउंड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो स्लाइड और टच सपोर्ट होगा। इसमें 4GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगा। ये वाटर रेजिस्टेंट है। इसकी बॉडी 5ATM सर्टिफाइड है। इस वॉच में 15 प्रोफेशनल वर्कआउट मोड सपोर्ट मिलेंगे, जिसमें क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, आउटडोर रनिंग और स्विमिंग शामिल है। इतना ही नहीं, इस वॉच में आप इनकमिंग कॉल्स, SMS और ईमेल के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे। इस वॉच में एक्सीलेरोमीटर, एयर प्रेशर सेंसर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और कैपेसिटिव सेंसर भी मिलेंगे। इसमें SPO2 सेंसर भी मिलता है, जो यूजर की बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बताता है। रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए इसमें GPS सपोर्ट भी मिलता है। इतना ही नहीं, कंपनी दावा करती है कि सिंगल चार्ज करने के बाद इस वॉच को 14 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है। ये एंड्रॉइड 4.4 और iOS 9.0 या उससे लेटेस्ट वर्जन वाले डिवाइस के साथ काम करेगी। बात जहां तक इसकी कीमत की करें तो फिलहाल इसकी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले ही फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत की जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक भारत में इसे 19,990 रुपए में बेचा जा सकता है। वहीं यूरोपियन बाजार में इसकी कीमत लगभग 16,500 रुपए है, यानी भारत में ये वॉच लगभग 3,500 रुपए तक महंगी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल फ्लिपकार्ट पर जारी हुआवे वॉच GT2E की कीमत वाला पेज खुल नहीं रहा है, यानी कीमत बढ़ भी सकती है और बदल भी सकती है।